हेलो दोस्त, रेलवे लाइव यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हेलो दोस्त, दिल्ली मेट्रो रेल भर्ती 2019-20 जिसमें असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल और टेक्नीशियन मेंटेनर, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स और फिटर, साथ में आपके फायर इंस्पेक्टर वगैरह की भी पोस्ट आ गई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आपको अब मिलने लगा है। जो पहले का पोस्ट था वही पोस्ट सेम रहा है, हालांकि यहाँ पे जोड़ने में पहले 92 हुआ था, लेकिन एक्चुअल में 93 पोस्ट है, 1493 पोस्ट है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट जॉब और रेगुलर जॉब। कॉन्ट्रैक्ट जॉब 2 ईयर के लिए और रेगुलर जॉब फुल टाइम के लिए यहाँ पे है। साथ में एग्ज़ाम पैटर्न की भी बात कर लेंगे, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, लोगों का सवाल था। और एक सवाल बहुत बड़ा लोगों का था, बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बीटेक वाले डिप्लोमा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले टेक्नीशियन मेंटेनर या ITI वाले के लिए नहीं कर सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन है। हालांकि पहले अप्लाई करने का DMRC मौका देता था, कम से कम JEE में तो BTEC वाले अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता था, तो यहाँ इस बार ऑप्शन को बंद कर दिया गया है। हो सकता है बाद में कुछ और अलग इशू होगा और ये वैकेंसी थोड़ा कम है, इसलिए भी सारे चेंज पैटर्न हुआ होगा। लेकिन एक रियल कारण ये भी है कि BTEC के कैंडिडेट ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद बहुत ज़्यादा दिन तक ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस नहीं करते और कहीं सिलेक्शन हो जाता है, जिसके कारण भी एक इशू हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल कोई सूचना नहीं है। चलिए कहाँ देखेंगे, वेबसाइट पे। तो वेबसाइट है dellimetrorail.com और यहाँ आइएगा करियर में, ध्यान दीजिएगा ऊपर से यहाँ पे करियर जो दिख रहा है, करियर में टच कीजिएगा और तो ऊपर ही बहुत बड़ा एक आपको नाम दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर के साथ में आप देख सकते हैं 2019 और एम फाइनेंस ये वगैरह वगैरह, एस्ट्रोनोग्राफर, मेंटेनर, इलेक्ट्रीशियन, RSE का इस बार मेंटेनर का नहीं है। उसके बाद यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का नीचे का जॉब है सारा, यानी रेगुलर ऊपर में और कॉन्ट्रैक्ट नीचे में है पूरी इस वैकेंसी में। अगर हेल्पलाइन चाहिए तो DMRC की हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है, आपको ईमेल चाहिए तो ईमेल का ये आपके पास है, ईमेल का हेड्स डेस्क दोनों आपके पास सामने प्रस्तुत है। अगर आपको कोई सहायता चाहिए तो अभी हम फिलहाल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेते हैं और पहले उस एडवर्टाइजमेंट से मिला लेते हैं जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस में आया था। बिल्कुल सेम के सेम, कोई डाटा चेंज नहीं है, डेट के डेट सारा के सारा, जहाँ से 14/12/19 का था जितनी पोस्ट थी लगभग यहाँ भी 60 है और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 919 था, ये भी सेम है, 106 यहाँ पे था, ये भी 106 है और लास्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट वाला 398 था, ये भी सेम के सेम है, यानी यहाँ पे कोई चेंज नहीं है पूरी कंडीशन को अगर देखें तो ये है नया ओरिजिनल जो आपकी रिक्वायरमेंट थी दिल्ली मेट्रो का, जो आपकी वैकेंसी का टेबल। अब इसमें देखेंगे तो एक एक करके डिटेल देखिएगा। तो सबसे पहले DMRC एक आपके पास भेजा है 14,500 एम्प्लाई और 3 मिलियन पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी, यानी 30 लाख पर डे पैसेंजर DMRC में सफ़र करते हुए 14,500 एम्प्लाई के साथ। इसलिए आपको डायनेमिक पर्सन चाहिए DMRC को, एग्जीक्यूटिव में भी, नॉन एग्जीक्यूटिव में भी। तो चलिए शुरुआत है, पहला पोस्ट आपका रेगुलर की बात करेंगे। तो रेगुलर पोस्ट में ध्यान देने वाली बात है, यहाँ एक्सपीरियंस 2 ईयर चाहिए, आपकी BTEC के बाद भी एक्सपीरियंस चाहिए फ्रेशर के लिए, ये जॉब रेगुलर में नहीं है। तो पहला आप देख ही लिए थे, सारा एक एक करके पोस्ट आपने देख ही लिया है, क्वालिफिकेशन आप देखते जाइएगा और प्लस में आपका इसका मेडिकल का एग्जामिनेशन लास्ट में दिया हुआ है, बेसिक आप देख ही चुके हैं, 50,000 बेसिक है, साथ में और देख सकते हैं सारा आपका यहाँ तक रेगुलर का 60 पोस्ट है आपका एग्जीक्यूटिव में, यानी असिस्टेंट मैनेजर का। उसके बाद आपका नॉन एग्जीक्यूटिव में आएगा पोस्ट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से शुरुआत है और यहाँ देखिएगा यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है 3 ईयर इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा, साथ में यहाँ हैक्स लगा हुआ है, इस हैक्स को नीचे आपको पढ़ना पड़ेगा, इस हैक्स का मतलब क्या है वो क्लियर है कि आपको डिग्री इसके स्थान पे अलाउ नहीं किया जाएगा। और कौन कौन से चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बहुत सारे का अलाउ है, लेकिन जो जो लिखा हुआ है उसी को अप्लीकेबल होता है, तो दूसरे ट्रेड वाले ITI वाले में भी और आपका डिप्लोमा वाले में ब्रांच वाले भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन रहता है जो क्वालिफिकेशन है। उसके बाद 15 से आप देखेंगे तो 15 से स्टेनोग्राफर, 16, 17, 18 मेंटेनर का पोस्ट है, जो मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन 101,
यहाँ पे मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 144 और मेंटेनर आपका 18 में देखेंगे तो फीटर के लिए 18 पोस्ट और टोटल इतना है। कुछ लोग बोले कि ये वैकेंसी फेक है, तो ओरिजिनल आपके पास है। टोटल 929 पोस्ट के लिए यहाँ है सारी वैकेंसी। और इसमें क्वालिफिकेशन देखिएगा तो ITI चाहिए केवल इलेक्ट्रीशियन से। कुछ लोग कहते हैं वायरमैन वगैरह चल जाएगा क्या, तो यहाँ तो केवल इलेक्ट्रीशियन लिखा हुआ है दोस्त, तो यहाँ पे केवल इलेक्ट्रीशियन ही चाहिए क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ आगे में देखेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे ब्रांच आपका ट्रेड है, और ITI एंड फीटर के लिए इतना ही है। और लिफ्ट एस्केलेटर मैकेनिक हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल आया था यहाँ पे कि RSC का पोस्ट नहीं है, तो यहाँ पे दोस्त नहीं दिया हुआ है, ये भी एक क्लियर है कि RSC का पोस्ट यहाँ पे नहीं है, जबकि हर वैकेंसी में कुछ ना कुछ RSC का होता था। और फीटर की वैकेंसी तो हमेशा ही कम रहती थी, तो इस बार भी कम है। और उसी तरह अगले इसमें देखेंगे तो इसके बाद अगला सेक्शन होता है कॉन्ट्रैक्टर का, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। उसके बाद जॉब को आगे कितना बढ़ेगा ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन 2 साल 2 ईयर के लिए ये जॉब है। हो सकता है आगे बढ़ भी जाए या नहीं भी बढ़े, कोई पता नहीं रहता। तो ये है जॉब कॉन्ट्रैक्ट वाले सारे, और फाइनल कंडीशन में एक एक करके हम देख लेंगे तो यहाँ तक नीचे तक आ जाएगा। तो जहाँ हम हैक्स मार्क्स बोले थे, तो देखिए हर्ष मार्क्स में लिखा हुआ है, जहाँ पे जूनियर इंजीनियर लिखा हुआ है और आर्किटेक्चर लिखा हुआ है इन इन कैटेगरियों में, उसमें BTEC अलाउ नहीं है। क्लियर, देखिए बट नॉट हैविंग डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अप्लाई। अगर आपके डिप्लोमा है तब तो अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्थान पे BTEC नहीं चलेगा। उसी तरह और टेक्नीशियन में अगर आपके पास ITI है, यहाँ नीचे वाला में देखिएगा, तो ITI के जगह पे आपका डिप्लोमा नहीं चलेगा। ये पूरी तरह से क्लियर किया है इस बार। उसके बाद बाकी कंडीशन देखिएगा, क्वालिफिकेशन का लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए, एज ए प्रिस्क्राइब अबव कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग एट ए क्वालिफिकेशन एग्जाम क्वालिफाई विच इज मेड इज एजुकेशनल एलिजिबिलिटी ऑफ द पोस्ट नॉट एज बिन इन्फॉर्मेड द रिजल्ट विल आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है लेकिन आपने एग्ज़ाम वगैरह दे दिया है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जब इंटरव्यू होगा या आगे की प्रोसेस होगा उस समय आपकी रिजल्ट पब्लिक डोमेन में चाहिए, बस ऐसा है। यानी आपका अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जॉब प्रोफाइल देख लीजिएगा, सारा जॉब प्रोफाइल सारा लिखा हुआ है सभी का, तो ये पढ़ लीजिएगा जो जो काम है, अस्काडा रोलिंग स्टॉक जितना भी है। और अगर JEE में होंगे तो आपको ट्रेन भी चलाना पड़ सकता है, या देखिए लिखा हुआ होगा, देखिए यहाँ देखिए, अगर आप JEE में हैं तो आल्सो डिपेंड एंड ACTO आफ्टर ड्यू टू ट्रेनिंग, आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट और मेडिकल फिटनेस टेस्ट एज रिक्वायर टू कॉरपोरेशन, आपको ट्रेन चलाना पड़ सकता है अगर आप JEE की भी जॉब करते हैं तो। लेकिन ये कॉरपोरेशन की रिक्वायरमेंट के अनुसार से है, ये पॉलिसी बना हुआ है। उसी तरह सभी JEE में देखेंगे तो ACTO वगैरह से संबंधित कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद आपका सारा आपका ड्यूटी के बारे में प्रोफाइल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मेंटेनर वाला में देखिएगा तो मेंटेनर के बारे में ENM है, इलेक्ट्रिकल एंड मेंटेनेंस, UHE ट्रैक्शन वगैरह वगैरह, टेलीकॉम आपका AFC सिस्टम करेक्शन, ट्रेन कोचेज, PWA डिपो, बहुत सारा है। जितने भी आपका मेट्रो का जॉब है उसमें आपको मेट्रो ट्रेन में मेंटेनेंस का है, आपका वेरियस मेंटेनेंस सिस्टम, लिफ्ट एस्केलेटर, ट्रैक स्ट्रक्चर, OHE आप जानते ही है, TRS आपको रेलवे में दिखता है, TRS बोलते हैं वहाँ पे, यहाँ पे TRC नहीं OHE बोलते हैं, ट्रैक्शन का OHE, तो ऐसे 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 डिपार्टमेंट में आपका काम है। अब कुछ लोगों का एग्ज़ाम के बारे में था कि क्या क्या होता है एग्ज़ाम, तो ध्यान दीजिएगा मैं सिंपल लाइन में एक बार में बता देता हूँ। मेंटेनर के लिए, मेंटेनर का ध्यान से देखिएगा, जो कैंडिडेट मेंटेनर के लिए अप्लाई करते हैं ITI क्वालिफिकेशन है, इनके लिए एक ही पेपर होता है। पेपर का कुल मार्क्स 120 होता है, ध्यान दीजिएगा। 120 में 75 टेक्निकल होता है आपका, जो आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड रहेगा, यानी ट्रेड या डिसिप्लिन से रिलेटेड। इसमें साइंस के भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन वो आपका ट्रेड जैसा ही रहेगा। लेकिन बचे हुए 45 नंबर को इन्होंने 4 भाग में बांटना है। कितने भाग में बांटना है? 4 भाग में बांटना है। तो 45 को 4 भाग में बांटेंगे तो आपका करीब करीब 11 और प्लस 1 नंबर ऐसा ही होगा। तो
करीब करीब 10 नंबर का एक सेक्शन बनता है, जिसमें 10 नंबर में आपका एक तो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी आपकी रीजनिंग होगी। 10 नंबर जो बचता है वो 10 नंबर में आपका मैथमेटिक्स होगा। कभी मैथमेटिक्स नहीं देके रीजनिंग भी दे दिया जाता है उसी टाइप से। 10 नंबर में करंट अफेयर और आपका जो जीके टाइप के कुछ क्वेश्चन रहते हैं वो नंबर रहते हैं, और 10 नंबर इंग्लिश के लिए यहाँ लगभग लगभग रहता है। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही रहेगा, 45 तो फिक्स है, लेकिन ये 10-10 नंबर आगे पीछे आपके हो सकते हैं, कभी किसी का कम किसी का ज़्यादा हो सकता है। तो ये पैटर्न है एग्ज़ाम में मेंटेनर के लिए। अगर बाकी पोस्टों की बात करेंगे तो वहाँ पेपर 1 और पेपर 2 दो होगा, जेई हो एएम हो सबके लिए आपका पेपर 2 होगा, और जेई के लिए इंटरव्यू नहीं है, एएम के लिए तीसरा कदम और भी है, वो इंटरव्यू है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा कदम इंटरव्यू भी है। तो पेपर 1 में इनका आता है, तो इनका पेपर 1 120 नंबर का शायद होता होगा, ध्यान में एग्जैक्ट देखा नहीं हो प्रश्न पेपर इस बार, लेकिन सेकंड पेपर में 60 नंबर इंग्लिश आती है, ये ध्यान दीजिएगा। और बाकी ये टेक्निकल और जीके करंट, इसमें इंग्लिश आपका इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए इंग्लिश सेकंड पेपर में लिया जाता है, चाहे आपका जेई का एग्ज़ाम हो चाहे आपका एएम का एग्ज़ाम हो। तो ये डिटेल है इस दोनों का। उसके बाद जो एएम में क्वालिफाई करेंगे उनका इंटरव्यू होगा, जेई के लिए डायरेक्ट यहीं से मेरिट बन जाएगी। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न है, बाकी आप एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पढ़ सकते हैं। 60 क्वेश्चन दिया हुआ है इंग्लिश से, देखिएगा पेपर 2 में 45 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन दिया हुआ है। पेपर 1 में अगर बात करेंगे तो आपको 120 क्वेश्चन है, लेकिन सब में नेगेटिव मार्किंग है, ये क्लियर लिखा हुआ है। और इसमें पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है पैटर्न, लेकिन एग्ज़ाम का पैटर्न 120 और 60 का ही है, ये बेस पेपर 1 का और इधर पेपर 2 का। टेक्नीशियन के लिए पेपर 1 अकेला ही होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बारे में सब जगह होती है। उसके बाद आपको देखिएगा ट्रेनिंग, प्रोबेशन यहाँ 2 साल का होता है, तो प्रोबेशन पीरियड इसमें 2 ईयर का होगा, देख लीजिएगा 2 ईयर आपको प्रोबेशन पीरियड में रहना पड़ेगा। पे स्केल के बारे में देखे ही है, तो पे स्केल में देखिए डिटेल चाहिएगा तो वीडियो ज़रूर बनेगा। देखिए यहाँ पर है HRA है, लीज है, मेडिकल बेनिफिट है, EPF है, ग्रेजुएट है, इंश्योरेंस है वगैरह वगैरह, DMRC क्या, ये बेसिक है, क्योंकि बहुत दिनों से क्वायरी आ रहा है लोगों का कि DMRC मेंटेनर या इंडियन रेलवे का टेक्नीशियन कौन, टेक्नीशियन 3 कौन अच्छा है। तो DMRC मेंटेनर का बेसिक आपने देख लिया, यहाँ पे 25,000 है, और यहाँ पे आप टेक्नीशियन 3 के बेसिक 29,900 है, तो दोनों में कौन बेनिफिट है आपको जुड़ाएंगे कभी वीडियो में, अगले वीडियो में, तो एक बात और करेंगे, बाकी सारा चीज़ डिटेल के बाद देखिएगा। उसके बाद आपका अप्लाई करने का प्रोसेस दिया हुआ है, ये सारी प्रोसेस है, और इसको थोड़ा भरने से पहले बहुत तैयारी से देख लेंगे कि सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एक बार। और किसी लोग को वेबसाइट चाहिए तो वेबसाइट देख लीजिएगा क्या है, ध्यान से देखिए delhimetrorail.com, उसमें आपको करियर वाले सेक्शन में जाना है, और करियर यहाँ पर है जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा डिटेल में। ऑनलाइन के लिए भी यहीं पे लिंक खुल जाएगा, ऑनलाइन जब 14 तारीख आएगा तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो ये है पूरा डिटेल, जिससे DMRC की जॉब की ऑफिशियल पुष्टि हो चुकी है। थैंक यू, धन्यवाद।